नहीं हो पाए कई विज्ञापन, कारण क्या है, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही कि शासन में धूल फांक रहे 11 भर्तियों के प्रस्ताव। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में जो है, चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो इस समय नई भर्तियां कोई नहीं करा रहा है, लेकिन लोक सेवा आयोग से अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर जो भी भर्तियां आने वाली थी वो जो है रिसेंट टाइम में नहीं आ पाए। उसका सबसे बड़ा रीजन आप देख सकते हैं, शासन में धूल फांक रहे 11 भर्तियों के प्रस्ताव, और दिव्यांगजन को लेकर जो है, दिव्यांगजन के आरक्षण को लेकर भी जो है अभी कोई डिसीजन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो है अभी भर्तियां अटकी हुई। तो आप देख सकते हैं, सरकार यूं तो भर्तियों में तेजी लाने का दावा कर रही है, लेकिन आयोग भी इसकी कोशिश में जुटा है, लेकिन आने वाले 11 भर्तियों का अधियाचन, जी हां, आने वाली 11 भर्तियों का अधियाचन शासन की फाइलों में धूल फांक रही है। इसी वजह से कई भर्तियों के विज्ञापन तो तय समय से भी यहां पर जारी नहीं हो पा रहे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक सेवा आयोग को सारा जिम्मा सौंपा था, लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी जो है तय समय से भर्तियों के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा। हालांकि उसके पास जो भी अधियाचन आ रहे हैं उसको वो करेक्शन के लिए कभी सेवा नियमावली, कभी तमाम ऐसे कारण जो है रोस्टर की वजह से वापस भेज दे रहा है। जितनी स्पीड से भर्तियां लोक सेवा आयोग आती हैं, उससे दुगनी स्पीड से अधियाचन वापस शासन को चले जाते हैं, लेकिन फिर वो वहीं वहाँ धूल फांकते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेकिन कैलेंडर के हिसाब से भर्तियों का जो है अभियान लटक गया है। आयोग ने अपने कैलेंडर की तीसरी बार संशोधित किया है। तो आप देख सकते हैं, हालात यह हैं कि अधियाचन में बदलाव न होने की वजह से उप निरीक्षक पुलिस भर्ती, पर्यावरण पर्यवेक्षक, मानचित्रकार, तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो कि निर्धारित तिथि पर नहीं शुरू हो पाए। आयोग का कहना है कि जब तक अधियाचन में संशोधन के बाद सही तरीके से हमारे पास नहीं आएंगे, तब तक हम उन भर्तियों को नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि अगर एक बार नोटिफिकेशन रिलीज हो गया फिर उसमें चेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बाकी वो कोर्ट की जो है दरबदर जो है भटक जाते। कारण क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिव्यांगों के पद चिन्हीकरण का भी यहाँ पर पेंच फंसा है। इसको लेकर हमने ऑलरेडी एक बार कई वीडियोस के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है कि उत्तराखंड में दिव्यांग के लिए विभिन्न विभागों में पदों का चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। इसी प्रक्रिया भी शासन स्तर पर गतिमान है। इसके अलावा कई भर्तियों में नियमावली में बदलाव होना भी इसका मुख्य कारण है, ये कहना है मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधु का। तो देखना यह है कि कब तक ये भर्तियां फाइलों में ही अटकी रहती हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। में जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।